सो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था, देखने के लिए तुम्हारे पास अभी फिलहाल पिछला एपिसोड ही नहीं होगा, क्योंकि सीन ऐसा हो गया था कि पिछले एपिसोड में थोड़ी सी बीटी हो गई थी। मतलब हमने रिकॉर्ड किया था, हमने यूट्यूब पे अपलोड भी किया, बट पता नहीं कैसे वो काइंड ऑफ करप्ट हो गया। भाई बेस में मत आ, एक सेकंड ये मैं पूरा मुंह ब्लॉक कर दूंगा सारा। एनीवेज, सो मैं वही कह रहा था कि पिछले एपिसोड में एक्चुअली हम लोग राफ्ट लेके गए थे भाई स्नो बायो में, जहाँ पे भाई हमारी राफ्ट को इसको भाई बजाना पड़ेगा लग रहा है, बट यार ये फिर धक्का दे दे के भाई पूरा टाइम परेशान करता है। इनको पता नहीं भाई क्या इश्यू रहता है बेस के आसपास। बट एनीवेज, मैं वही कह रहा था कि पिछले एपिसोड में फिर आपने देखा था कि हम लोग जो है राफ्ट लेके गए थे स्नो बायो में, जहाँ पे भाई बहुत गंदा वाला सीन हो गया था। मेरे को कहते मेरी एक्चुअली राफ्ट जेलिटी 6 ने उड़ा दी थी, जो भी उसको कहते हो बड़ी सी वेल, इसका नाम आज तक मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आया, बट एक्चुअली उसने मेरे को उड़ा दिया था। उसके बाद मैं जो है स्नो बायो में फंस गया था, काइंड ऑफ वो फन हो रहा था जहाँ पे मैंने बहुत कुछ आगे का सोच के रखा था, ऐसे कुछ सिनेमैटिक टाइप एंड ऑल, बट या एवरीथिंग वेंट टू वेन बिकॉज पता नहीं उस दिन क्या हालते ये सब होने के बाद मैंने गेम जो है डायरेक्ट ऑफ कर दिया था, पीसी सीधा यही से क्या हालते ऐसा करके नीचे से ही ऑफ कर दिया था, ऐसे इधर से करके, एंड उसके बाद पता नहीं क्या हालते हैं अभी मैं आया तो वो करप्ट हो गया था। पता नहीं कैसे, ऐसा कभी नहीं, इससे पहले मैं बहुत बार किया, मेरी आदत है एक्चुअली, बट पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैं थोड़ा पीछे आ गया प्रोग्रेस में, तो अभी साला वापस तो जाना पड़ेगा, बट इस बार हमें पता है कि क्या हालते हमारी राफ्ट टूटने वाली है, तो इसलिए अब मैं क्या हालते जान मुझ के कोई चीज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने क्या हालते अपने इन्वेंट्री में देखो 2 राफ्ट लेके रखे, मैं जान मुझ के ऐसी चीज़ें नहीं करता भाई। तो एनीवेज क्या बोलते हैं, ऑल्सो मैंने यहाँ पे अपना आर्मर क्या बोलते हैं कलर कर लिया है, एंड एक्चुअली ये स्किन है, ये मेरा आर्मर नहीं है, ये स्किन है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो, जो कि मैंने एक मॉड डाल के रखा है जिसकी वजह से मैं ऐसी स्किन यूज़ कर सकता हूँ, कॉज पता नहीं मेरे को स्किन से बहुत ज़्यादा लगाव है, बट फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, पहले ना इसको स्किन को निकाल देते हैं और इसको अपने फर पे लगाते हैं, क्योंकि अभी फिर से हम लोग को आइस में जाना है बायोम में, सो वहाँ पे हम लोग को एक्चुअली फर सूट की ज़रूरत पड़ेगी इंस्टेड ऑफ दिस, सो हम एक काम करते हैं हम इसको फर पे चढ़ा देते हैं। बाकी मेरे को बंदे बोले कि मोशन ब्लर एंड ऑल सेटिंग्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, नॉर्मल ग्राफिक्स पे आ गया, एक्चुअली यही बेटर है, वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड एंड बोरिंग लगता है, बट एनीवेज सो या क्या बोलते हैं, फिर भाई मैं कह रहा था कि पिछले एपिसोड में वो सीन हो गया था, तो इस वजह से मेरे को वो एपिसोड भी प्राइवेट करना पड़ा, एज हम वापस से वही सेम प्रोग्रेस आज करने वाले, बट मैं ट्राई करूँगा कि एडिटिंग में मैं जो है बहुत ही शॉर्ट दिखाऊँ इन चीज़ों को, ऑल्दो मेरे को टाइम तो लगने वाला है। बट आज के एपिसोड में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम वापस से एक बार देखो भाई वही सारे डायनोस वापस आ रहे हैं, तो वापस से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार वापस हम स्नो बायो में जाएंगे, जहाँ पे इस बार मैंने 2 राफ्ट रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे को एक राफ्ट टूटने पे दिक्कत आए, ऑल्दो मैंने एक चीज़ सीखी है कि राफ्ट पानी के अंदर प्लेस नहीं कर सकते, अगर टूट गया तो फिर से वही दिक्कत तो आने वाली है, बट कोई ना वो तो हम देख लेंगे बाद के बाद में। तो वही सबसे पहले आज हम लोहनी कैप्रो सीधा उठा के फेंक देता है साला, डायरेक्ट इसके ऊपर से उठाएगा मेरे को, पास भी नहीं आना मेरे। फिर आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना आज के इस एपिसोड में सबसे पहले तो हम लोग जाके स्नो बायोम से थोड़ी बहुत पॉलीमर्स कलेक्ट करें, उसके बाद घर पे आके मैं सोच रहा हूँ कि हम एक गिली सूट बनाएंगे, एंड देन हम लोग टेम करेंगे इसको, क्या बोलते हैं हनी, इसको हनी बीज को मेरे को टेम करना है, एज मेरे को डायरवियर इधर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, एंड डायरवियर के लिए ज़रूरत पड़ती है, अरे यार गलत आ रहा है, डायरबियर को टेम करने के लिए हनीस की ज़रूरत पड़ती है, आ जा भाई मेरे को अल्फा है एक सेकंड के लिए, बट तो बात प्रो मैं सीरियस भी लड़ सकता हूँ। ऑल्सो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पिछले एपिसोड में मैं कैसे एस्केप करता अगर मैं स्नो बायो में फंसाता, तो देखो कुछ लोगों ने अलग अलग वेज मेरे को बताए थे, बट सारे वेज बेकार थे, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेलीपोर्टर नहीं बना सकते, मेरे पास ये वाइट पर्ल जो होते हैं अपने क्या कहते हैं उनका सी पर्ल्स है क्या कहते हैं नॉर्मल पर्ल्स आई थिंक कहते हैं, तो वो मेरे पास नहीं है, तो क्या बोलते हैं टेलीपोर्टर के लिए वो लगता है, वरना बंदे बोल रहे थे कि टेलीपोर्टर बना एंड रिट्रैव इन्वेंट्री करते हैं, बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस क्या बोलते हैं वो एक मेन सीन है। बाकी अभी हम लोग इस साइड जाएंगे एंड यहाँ से फिर हम लोग पानी से उतर के सीधा उस साइड बढ़ेंगे, चलो ये शॉर्टकट है। चलो भाई अभी हम लोग रेडी है एक और बार वापस से क्या बोलते हैं उस स्नो बायो में जाने के लिए, एंड होपफुली इस बार लिट्ची 6 ना तोड़े, क्योंकि अगर तोड़ दी तो हम फिर से सेम लूप में फंसेंगे, बट इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऑल्दो वहाँ पे एक लिट्चीस है तो मैं इस बार ट्राई करूंगा कि किसी और वे से जाऊँ, क्योंकि मैं वो लफड़ा भाई बार बार चाहता ही नहीं, क्योंकि भाई इंसान एक ही बार ये करता है, दो बार गलती नहीं करता है। देखो अभी अरे यार
अरे कार्नो के अंदर राफ्ट थी यार, राफ्ट उधर ही छूट गई यार। क्यों होता है मेरे साथ ये सारी चीजें? सारी चीजें रेडवुड में ही क्यों होती है? एंड एक गुड न्यूज है, हम बहुत जल्द प्राइमल फेयर स्टार्ट कर रहे हैं। यस अभी मजा आएगा ना भाई, पता नहीं अचानक बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे और इसके वजह से काइंड ऑफ कोहरा कोहरा हो गया है, जो कि मेरे को देखने में ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा है। भाई ये लुक मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं ना एक्चुअली सोच रहा हूँ इसी को मेरा एज ए क्लासिक लुक रखूँ, क्योंकि मेरे को रेड एंड ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो मेरे को एक सीजर बनानी, क्योंकि साले इसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑल्सो मेरे को थोड़ा इसको हेयर स्टाइल वगैरह देना है ताकि परफेक्टली मेरा एक लुक आ जाए। भाई ये भाई सूट तो प्यारा है, इसके कलर कॉम्बिनेशन में तुम्हें बाद में शो करूँगा इनकेस अगर तुम्हें भी ऐसा सूट कलर करना है तो। भाई ये जगह ना मेरी मोबाइल में प्राइम टेमिंग की जगह रहती थी, कुछ भी चाहिए तो यहाँ पहले आता था मैं, यहाँ पे मेरे को मिल जाता था यार। मोबाइल के दिन यार। यही पे आसपास कहीं तो एक मछली है वो बड़ी वाली जो बोट तोड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा सोचा वहाँ से पहले घूम के जाऊँगा ऐसे। लो भाई ये ठंड शुरू, यहाँ पे बर्फ गिरती है यार सीधा। फाइनली हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड होपफुली मेरे पीछे कोई अभी मछली ना हो। पता नहीं भाई यहाँ पे आते हो इतना एक काइंड ऑफ डर था मेरे को, बट नहीं यार कुछ पड़ा नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे को लगा पड़ेगा बट नहीं थी। एनीवेज आ जाओ भाई, इनकी थोड़ी बहुत भुजी पाव बनाई जाए फटाफट से। इधर इनको फटाफट से मारते हैं, फटाफट से पॉलीमर कलेक्ट करते हैं, फटाक से बेस पे भागते हैं। हमें बहुत ज़्यादा पॉलीमर की ज़रूरत। भाई यार कितने ज़्यादा है बे, ऐसे वियर्ड क्यों लग रहे हैं इतने ज़्यादा? बच्चे कितने हैं बे इनके? अरे हाँ, बच्चों से मेरे को याद है असेंडेंट में या आर्क टू में ना बेबी डाइनोज भी देखने मिलेंगे आई थिंक, जिनको अपन टेम नहीं कर पाएंगे या पता नहीं उनका क्या सीन रहेगा, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट तो बोला गया है। अभी असेंडेंट में होगा कि इसमें वो नहीं मैं जानता। और जो क्या कहते हैं मोबाइल का भी अपडेट आने वाला है, वो भी अभी चल रहा है, पता नहीं कब आएगा। एंड होपफुली तब तक मैं एक फ़ोन ले रहा हूँ नया वाला, मैं सोच रहा था तो मेरे क्या कहते हैं ये मारने आ रहे क्या? ये औका देखे, ये पागल भी नहीं ले गया भाई ऐसे? कौन सी कहाँ से स्पॉन हुए भाई तुम? ऐसे भाग रहे हो कि मार रहे हो बे? पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। इनको देख के ये मेरे को अटैक करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं? बट एनीवेज तो मैं वही सोच रहा था कि पहले क्या लूँ एंड क्या कहते हैं एक बार मैं ले लूँ एंड इसके बाद आर्क असेंडेंट भी आ जाए, मीन मोबाइल का आर्क तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा खेलना। ढेर सारा भाई कंटेंट आने वाला है अगर मोबाइल का आर्क आ जाए तो, भाई बहुत मज़ा आएगा सच्ची में। वो मोबाइल वाली वाइब्स वापस आएंगी भाई आर्क टू में भाई। चलो भाई अभी हमारा काम हो चुका है एंड हमें क्या बोलते हैं और कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और ना ही हमने ऑल्सो मैंने वादा किया था कि मैं रिसोर्स कलेक्ट नहीं करूँगा ऐसे, सो या वादा निभा रहा और कुछ नहीं। चलो ओके फिलहाल तो सेफ है, हाँ कोई नहीं, चलो सेफ है यार। ओके कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंटा है पानी के अंदर और कुछ खास नहीं है। ओके वो क्या है? नहीं वो भी नहीं है। हाँ चलो सेफ तो हूँ मैं, दूर दूर तक मेरे को दिख तो नहीं रही है कोई। तो भाई वो पानी के अंदर कुछ तो ऐसा लग रहा है भाई, सच्ची में भाई बहुत ज़्यादा डरावना लगता है पानी के अंदर। एंड हम इस राफ्ट को तो लेके जा नहीं सकते, इट्स ओके, हमारी काइंड ऑफ थोड़ी रिसोर्स वेस्ट हुई, बट फाइन नेवर माइंड। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से फटाफट से निकलते अपने बेस पे। बेस हम लोग का है इस साइड में, जो कि एक रेड मार्क है। ऑल्सो कौन पूछ रहा था उस दिन मेरे को स्ट्रीम पे कि क्या कहते हैं मार्क कैसे करने का ना, तो देखो मैप में क्या कहते हैं सिंपली मैप खोलने का, मैप के बाद पी दबाने का, पी में लैट लॉन्ग डालने की और यहाँ पे नेम डालने के जगह कलर सिलेक्ट करने का, जो भी आपको मार्क अच्छे ना आपको ऐसे मार्क आ जाएगा, जैसे फिलहाल मैंने होम का रखा है। तो बहुत सिंपल चीज़ है एंड क्या कहते हैं तुम लोग इसीलिए मार्क लगा पाओगे। ट्रोडाउन से दूर भाग, ट्रोडाउन से दूर भाग, आगे 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 पीछे आगे, ये नहीं आए थे सर, कभी पीछे पड़ते कभी नहीं पड़ते, वियर्ड चीज़ है। ओके सो अभी एक काम करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग जो है क्या बोलते हैं फटाक से जो है यहाँ पे बनाएंगे, पहले तू राफ्ट अंदर जा उसके बाद ये जा। एंड अभी हम लोग ओपन करते हैं सबसे पहले अपना गिली सूट, जिसकी स्पेलिंग होपफुली सही डाल रहा है। ये ओपन है, अच्छा इन्वेंट्री बनता है लॉर्ड, मतलब छोटी ही बनता है, कोई नहीं। अभी फटाक से एक गिली सूट बना लेते हैं, ये हमारा रहा गिली सूट, इसका एक जूता बनाएंगे, इसका एक ये बनाएंगे। वेल इसको स्किन नहीं पहनाऊंगा मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लासिक लगता है, ऐसे गिली सूट पहन के फील आता है, जो कि फर सूट में भी आता है, बट काइंड ऑफ मेरे को स्किन ज़्यादा पसंद आ रही, क्योंकि अभी नई नई बनाई है इसलिए। बाकी कुछ नहीं, चलो इसमें दो ही चीज़ें बनती है, ज़्यादा नहीं बनता है, पता नहीं क्या सीन। चलो कोई नहीं है, यहाँ पे हम लोग का गिली सूट रेडी है, तो एक काम करते हैं उसको, ये इधर चला गया क्या? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ अपने पास में। चलो सो अभी यहाँ पे हम लोग के पास गिली सूट आ चुका है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे हनीस को टेम करने के लिए, जिनके लिए क्या लगता है एक सेकेंड, उसको टेम करने के लिए क्या लगता था हनी को? ए वही भूल गया मैं, अरे मार क्या, रुको एक सेकंड देख के आने दो। खिलाया
वेल अभी मैं कहते खुद ही का पुराना वीडियो देख के आया तो मेरे को पता चला कि वो रेयर फ्लावर्स खाती है। क्या करे भाई, भूल जाते हैं, इतना बहुत टाइम हो गया था ना उनको टेम के हुए। एनीवेज रेयर फ्लावर्स मेरे पास है क्या, मेरे को याद नहीं। ओके मेरे पास रेयर फ्लावर्स ही नहीं है भाई। क्या यार, रेयर फ्लावर्स मेरे को पता है कहाँ मिलेंगे, मेरे को ना रेयर फ्लावर्स नीचे मिल तो जाएंगे। एक सेकेंड यार, बीवर डैम रहते हैं, बीवर डैम में से भी रेयर फ्लावर अच्छे खासे मिल सकते हैं। अरे वो अंडे जैसा दिखता है बे, हर बार का है। एनीवेज अभी एक काम करना पड़ेगा, वेल हम लोग को कुछ रेयर फ्लावर्स की ज़रूरत है भाई। बेगोस मत क्या करो यार, क्यों बेफालतू पीछे पड़ते। होपफुली मेरे को यहीं पे पानी के अंदर कहीं डैम नहीं दिखने वाला, छोड़ो। ऑल्सो यार वो रेडवुड के बाहर है, मैं नहीं जा सकता टेक्निकली। शिट, कोई बात नहीं, रुको। वो स्वैम की साइड लूटते हैं, वहाँ पे क्या रेयर फ्लावर्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे भी होते हैं। मत पड़ो भाई पीछे, तुमको भी पता है मेरे को ये कहाँ से स्पॉन होते हैं अचानक ऐसे आकर। तो अभी एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ जगह मेरे को ढूंढनी पड़ेगी छोटी मोटी, जहाँ पे मेरे को थोड़े रेयर फ्लावर्स मिल जाए, क्योंकि हनी जो है बीज जो है वो रेयर फ्लावर्स को खाती है। ऑल्सो अगर तुम सोचोगे कि यार मैं पेटोडॉन का सैडल बना सकता हूँ, इसलिए मैंने क्यों टेम नहीं किया, तो मैं कोई हाई लेवल का पेटोडॉन ढूंढ रहा हूँ। एंड क्या कहते हैं, मेरे को राफ्ट पे जाना था थोड़ा सा, क्या कहते हैं ये कलेक्ट करने, काइंड ऑफ एडवेंचर लगता है, इसलिए पेटोडॉन से गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा यार, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। करूँगा उसको आराम से करूँगा, क्योंकि मोबाइल में मैंने काफ़ी लेट किया था, मैंने सोचा कि पीसी में इतना जल्दी करके क्या मिलेगा। थोड़ा सा लेते यार सर्वाइवल का मज़ा लेते, क्योंकि बहुत कम मिलता है। एक बार अच्छे खासे डायनोस आएंगे फिर तो भाई सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा टीम इसको। अभी करेंगे इसको, ये दो तीन एपिसोड के बाद कर लेंगे। मेरे को ना पहले थोड़ा मज़ा लेना है। एंड मेरे को मिल क्यों नहीं रहा मेरा मेन मज़ा। ओके मिल गया मेरे को, एक रेयर फ्लावर मिला, सीरियसली चार हो गए, चार से नहीं होगा यार, मेरे को बहुत लगेंगे। और उसमें अगर कैब्रो कूद गया भाई तो मैं डेड हूँ, क्योंकि क्या कहते मैंने ऑलरेडी इसको पैसिव पे रखा है भाई, डरा मत। और जो मेरे को कोई तो बोल रहा था कि गैलिमेंस बोला होता है, ऐसा है क्या, क्योंकि ये देखो मैं तुम्हें दिखाता, बोला नहीं होता है, देखा बोला ना, बोला नहीं होता है भाई, होता तो मैं खुद टेम नहीं कर लेता। पता नहीं गैलीज का क्या प्रॉब्लम है, पीसी में बोलास नहीं होते, मोबाइल में होते। आई नो मोबाइल के हिसाब से सही बोले तुम लोग, बट पीसी में नहीं होता है, मैंने 10 बार करके देखा है, इसलिए तो मैं कन्फ्यूज हूँ कि क्या करूँ भाई। उसके लिए वो चेन बोला वगैरह आई थिंक लगता है, जो कि हम ऐसे हाथ से तो नहीं फेंक सकते आई थिंक, पता नहीं क्यों नहीं फेंक सकते। कितने हुए, 18 फ्लावर्स हो गए आई थिंक, इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि टेमिंग स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है। तो अभी प्लान सुनो, अभी हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम किसी बी को जो है बंदूक से मारेंगे, गिराएंगे, एंड उसके बाद में भाला मेरे पास बहुत नॉर्मल वाला है, कोई निकालो है मेरे पास जिससे मैं बीच से फाइट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग जो है उसको रेपेलेंट भी लगेगा आई थिंक मेरे को, हाँ, क्योंकि बी भड़क जाएगी वरना बे। अबे यार तू जब बग रेपेलेंट बनाने के लिए क्या लगेगा, सिट्रोनल वगैरह लगेगा, सीरियसली आई थिंक मैं इसके बिना ही ट्राई करके देखता हूँ, वो तो जाएगा, क्योंकि आई थिंक हम लोग वो बीज हम पे अटैक ना करे इसलिए बग रेपेलेंट लगा देते, एंड वो तो वैसे भी करती है, तो आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है भाई, सॉरी पीछे नहीं पड़ना भाई। ये मेगा थीरिंग कितने लेवल का है भाई, 76 लेवल का है। अरे यार ये क्यों खाता है हर बार बॉफ लेके मेरे को, इस बार नहीं भाई, अल्फा मार चुका हूँ, मजाक नहीं है भाई, वैसे ही मजा आएगा, वो पहले टाइम अलग था। पता नहीं ये बफ कहाँ से लेके आता है, हर बार मेरे पर अटैक करता है भाई, इसके आसपास घूमना ही पाप है। और ये मर जा भाई, ये मर नहीं रहा सकता, अरे कितनी हेल्थ है इसकी, ये भाई ये पावरफुल है सच में, ये बफ के साथ इतना पावरफुल तो है, अल्फा है क्या, मार रहा हूँ ना, मार रहा हूँ लाल दिख रहा है, लाल दिख रहा है। पता नहीं भाई इसको कहाँ से बफ मिलता है, वो भी मैं पास आता हूँ तभी मिलता है, ऐसे तो रैंडमली कोई भागता नहीं दिखता मेरे को। क्या प्रॉब्लम है इसका, समझ में नहीं आता यार कभी कभी, यहाँ पे साला नहीं चाहिए तो लाख उठाने के लगे रहते, पता नहीं सारे कहाँ चले गए अभी जब चाहिए तो, होते तो यही पे तो फायदा ना हो तो बेटर है। ऑल्सो मेरे को बहुत जल्दी अपना बेस भी शिफ्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेस कहाँ पे बनाऊँ, तो क्या तुम लोग मेरे को सजेशन दे सकते हो कि रेडवुड में मेरे को किस टाइप का बेस बनाना चाहिए, डायरेक्ट मैं ट्री प्लेटफॉर्म के लिए जाऊँ या फिर मैं ज़मीन पे बना, ऐसे कि मैं ज़मीन पे बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे को एक हनी दिख गया है, वेल इसकी हेल्थ देखते पहले, मैं ज़मीन पे बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा क्लासिक लगता है, डायनोज रखने की एक्चुअल में काफ़ी अच्छी जगह भाई, 5000 तो इसकी हेल्थ है बे, ये हेक्टिक होने वाला है एक्चुअली, लेट्स सी कितना लेता है ये भाई, ये ज़िंदगी में नहीं होगा वैसे भाई, ये बहुत टाइम लेगा बे, मेरी सारी एम्स ख़त्म हो जाएगी ऐसे।
बट कोई नहीं, मैं मतलब तीन चार की इसमें 100 का डैमेज दे रहा हूँ, तो मैं मेरी इतनी गोलियाँ सफिशेंट होनी चाहिए। लेट्स सी अभी कितना रखता है। आई थिंक मेरा प्लान ही बेकार था, मेरे को ना पेट्रोडॉन लेके मैं नहीं कर सकता, मेरे को पेट्रोडॉन वैसे भी इसमें लेके उड़ाने का मन नहीं है, मैं डायरेक्ट आज ही सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई पेट्रोडॉन पे वो थाइला वीला कूद जाएगा ना, वैसे ही इश्यू हो जाएगा वो सब, वो मेरे को वैसे ही उड़ने का मन ही नहीं करता इसमें, बहुत वियर्ड सी वो टेरर वाली फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों, एंड ये जेन्युइनली आती है, मस्ती नहीं कर रहा मैं, वो ऐसा रेडवुड में उड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी सेकेंड भाई तुम पे अटैक हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा भाई उड़ के। भाई तेरे को मरना है आज के दिन, पूछना है कि नहीं, तो दूसरी गन लेके आनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है भाई। 110 ही बुलेट बची तूने भाई, वो भी नसीब से मेरे को मिली हुई है भाई। निकलो एक दो तो निकलो, लड़ो तो सही मेरे से। ए नहीं नहीं ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, फटाक से हो जाएगा। चलो चलो, सिर्फ 2000 HP बची है, मेरे को ऐसा लग रहा है सारी एक साथ ही बाहर निकलेगी ये भाई, वेस्ट मत हो। चलो हो रहा है हो रहा है, थोड़ी और मारेंगे और हो जाएगा इजीली। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि इसमें से 20 नहीं निकल रही, पता नहीं, वरना इतने टाइम में भाई 5-6 राउंड हो जाते हैं 20 के, पता नहीं निकल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या सीन। ए इसमें MT-MT का कोई सीन नहीं होता ना बाबा, ये देखो ना काला पड़ गया है। लेट्स सी, रुको अभी रिलोड करते हैं, एंड भाई 26 बुलेट बची है लिटरली यार, तो वापस नहीं जाना चाहता, देखते कितना, ओके 200 ही बची, चलो चलो हो जाएगा। ओके वन, अरे यार वेस्ट नहीं हो भाई, 1 2 3 4 5 6 आई थिंक अभी और 2-3 मारनी पड़ेंगी। 1 एक सेकंड रुको, इसको पैसिव भी रहने देता भाई, एंड कितना बचा मेरे को एक बार चेक करने दो सही से, कहा है 52, सो दो शॉट्स एंड ओवर। ओके 1, ए रुक जाओ, ए बच गया, थैंक गॉड। पहले एक काम करेंगे, फ्लावर्स को इसमें रखेंगे। 1 2 टूट गया, व्हाट द हेल, सीरियसली भाई, अबे खाली था यार, ये क्या बात हुई। बोपड़ी के मैं कुछ दूसरा टीम करने जा रहा हूँ, सच्ची में यार ये मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है भाई, ये क्या फालतू गिरी है यार, इतनी मेहनत से लौंडा भाई कहाँ से कुछ कलेक्ट करके लाए, उसमें भाई 5000 को तोड़े, और उसके बाद भाई तुम बोलती हो कि ऐसा कुछ नहीं। एनीवेज क्या होते हैं, इसमें तो हम फेल हो गए, बट कोई बात नहीं, हम लोग ने गिली सूट बना लिया है, ऑल्सो हमने कुछ पॉलीमर्स को कलेक्ट किया। पीछे नहीं पड़ना बेटी, पीछे नहीं पड़ना, पीछे नहीं, अरे यार हर जगह है, कोई पीछे नहीं पड़ेगा यार, मैं जेन्युइनली मार रहा है फिर मैंने। तुम लोग वैसे भी आप हार नहीं मानोगे, तुम आओगे पूरा घर तक आओगे, अभी मार खा के जाओ, अभी आगे में कोई दिक्कत नहीं। अरे यार तुम लोग को लड़ना ही नहीं है मेरे को, तुम लड़ते खाओ, तुम तो सीधा कूदते हो बे, लड़ना ही नहीं है मेरे को इधर। ए भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो सब, अरे यार कहाँ से आता है भाई, तो है क्या पीछे। मैं वही सोच रहा हूँ कि करूँ क्या मैं अभी, रुक जाओ एक काम करते, थोड़ा ना फार्मिंग का सीन मिटाते हैं, मेरे को ना क्रॉप लॉट्स थोड़े बहुत बनाने, क्योंकि वही सिट्रोनल वगैरह तो बहुत लगने वाला है, एंड मैं सीधा लार्ज क्रॉप लॉट ही बनाऊंगा, क्योंकि स्मॉल बना के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम जो है लार्ज वाला बनाएंगे, जो कि हमें वेल इसके लिए मेरे को S+ का वो भी बनाना है, ये क्राफ्टिंग बेंच, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेट मी मेक वन क्राफ्टिंग बेंच। इस क्राफ्टिंग बेंच के अंदर सारी की सारी S+ वाली चीज़ें बनती है, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है एक्चुअली, इन्वेंट्री में ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी एक काम करेंगे, इसके अंदर हम जो है ये रहा क्रॉप प्लॉट, ये बनेगा क्या, ओके 1 2 आई थिंक 2 सफिशेंट है, बट स्टिल मैं 3 बना लेता हूँ। लेट्स ट्राई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये इसके है ना, इसके तो इनको ये S+ है ना, तो इनको काई को नहीं आया वैसा, ये आता है, अरे वो आई थिंक दूसरा वाला S+ का, अरे लॉल, अरे यार भाई तुम क्यों आते हो बाबा यार, काय को करता है बाबा, ये तू जाना आई थिंक वो, अच्छा ये वाला, ये सीमलेस, ये वाला यूज़ किया करो, बहुत प्यारे रहते हैं, इनको रिसोर्सेज सेम लगती है, बट ये एकदम अच्छे स्नैप पॉइंट के साथ बिकते हैं, तो काफ़ी अच्छे इनके लिए कुछ, मेरे को इधर से प्रूव कर सकता आई थिंक 5 देखने लगे को, बाकी इनको मेरे को हाइड वगैरह करना नहीं है, तो कोई भी नॉर्मल भी हो तो चलेगा, कोई सीन नहीं है। अरे यार ई दबाना इस पे रहता है, उस पे रहता है,
को सीधे बना लेता हूँ। चलो सॉर्टेड है, क्या कहते हैं ऐसे हम एक और लगाएंगे एंड देन इसके ऊपर हम लोग जो है ये लगा देंगे ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का एक लग चुका है, अभी हम क्या करेंगे भाई, बारिश शुरू होगी वैसे ही पानी का पता नहीं चलेगा, पर कोई नहीं, हम लोग को अंदाज को ये क्यों नहीं लग रहा है। अरे हाँ मैं सॉरी, ऐसे भी तो कर सकता था लाहौल, कोई बात नहीं, उसको वैसे भी देना ही पड़ता। अभी एक काम करेंगे, एक हम ऐसे ऊपर लेंगे एंड उसके बाद एक जो है हम ऐसे लगाएंगे एंड उसके बाद हम लोग जो है इसको ये लगाएंगे। ओके तो यहाँ पे हम लोग के क्रॉप प्लॉट्स लग चुके हैं, अभी इनके अंदर मेरे को ये डालना है, लेकिन मेरे पास क्या है ये सिट्रोनल, ओके सिट्रोनल तो सबसे मेन है, मैंने एक ये डाल दिया सिट्रोनल। अरे फर्टिलाइजर भी लगेगा वो तो भूल ही गया था। उसके बाद मैं इसमें एक सेवरूट का लगा देता हूँ मैं एंड नाकोबेरीज वगैरह मैं काफ़ी अच्छी फार्म कर रहा हूँ तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या लगा रहा हूँ मैं, ये शिट वो आ रहा है, फिलहाल सिटनर लगा लेता हूँ, बाद में देख लूँगा क्या करना है। अभी फर्टिलाइज़र भी करना पड़ेगा, अभी पीछे भागले आ रहा है। एक काम करते हैं रुको, फर्टिलाइज़र के लिए फियोमिया भी टेम करना पड़ेगा, वो मैं ऑफलाइन में कर सकूँगा। ए भाई तू क्यों ऐसा लग रहा है अभी, ठीक है चल कोई बात नहीं, लग रहा है तो लग रहा है, कैसे काम चलाना फिलहाल के लिए। अरे बस क्या वुड नहीं बचे क्या, अरे वुड ख़त्म हो गए सारे, सीरियसली इतने ज़्यादा तो लाए थे। भाई वुड के पेड़ भी इतने दूर हैं मेरे से, इतने हैं इतने सफिशेंट है, वरना मेरा स्टोरेज भर जाएगा यार। बारिश बात बात पे काई को होती, उधर ही रहना जब तक अंदर जाओ। ओके तो अब एक काम करेंगे और दो कंपोस्ट बिन बना लेते हैं, एक बट फिलहाल के लिए ठीक है, चलो अभी काम हो जाएगा, मतलब इसमें इतना पूरा डाल देता हूँ इसके लिए। अब इनमें रेसिपी भी आती है जो कि अच्छी चीज़। सो तीन पू कोई हगा है, हाँ ये हगा है, ये एक हगा है, ओके एक, चलो एक तो फर्टिलाइज़र बन जाए, ये एक हगा है, और कोई हगा है क्या, अरे हाँ मैं जानता हूँ और एक हगा है, मैं बताता हूँ रुको। टेक्निकली तुम लोग देखो तो मैं सही कह रहा हूँ, बट एनीवेज ये बन रहा है एंड यहाँ पे दिखाता भी कि क्राफ्ट हो रहा है, तो चलो एक फर्टिलाइज़र फिलहाल बन रहा है, बाकी मैं कोई क्यू में वगैरह देखना पड़ेगा। बट आई थिंक आज के लिए फिर बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी आज के एपिसोड में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, वही पुरानी चीज़ जो हमने की थी वो हमें ज़बरदस्ती वापस करनी पड़ी एंड सच्ची में भाई मैं उस आइलैंड पे फंस गया था ना स्नो बायोम में, उसको मैं बहुत ज़्यादा तगड़े वे में बनाने आना था, बट अफसोस भाई वैसा हम कर नहीं पाए, भाई वो कितना वियर्ड है यार, सीरियसली उसका लेवल क्या है, 16 लेवल है दूसरा लेवल, तो कलर में तो भूल गया, इनके लेवल अच्छे नहीं आ रहे मेरे सर्वर में, मतलब इसमें 16 में पता नहीं। एनीवे चलो आज के लिए फिर बस इतना ही, होपफुली आज की जो वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी भाई आज की वीडियो में हमने कुछ बहुत कुछ नहीं किया, बट सिंपली हम लोग ने जो है क्या बोलते हैं पॉलीमर्स को कलेक्ट किया, उसके बाद में हमने सूट को बनाया। ऑल्सो मैं भाई अपने फिराज में था टेम करने की उसको, लेकिन उसमें मेरे को धोखा मिल गया, तो मेरे को लगता है मेरे को नेक्स्ट एपिसोड में कोई फ्लायर ही टेम करना पड़ेगा, जिससे मैं उन्हें तोड़ के फिर हनी टेम कर पाऊँ, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं होता है। बाकी आज के लिए फिर बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हमेशा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो हम लोग का जो डिस्कॉर्ड है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भूलना, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आज के लिए फिर बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, चलिए गाइस तब तक के लिए बाय बाय बाय। आज कोई मोड का रह जाता है, टोपी निकाल भाई मेरे को नहीं पसंद। हम तो हो गए जमा, धीरे धीरे खाला मां, अब तो होना है।